Hello everyone, welcome to Abhimanyu I S. And the question of the day, today I will uh, discuss a very important question that is based on uh, uh, two concepts. One concept is of LCM HCF, and the second concept used here is the calendar concept. Okay. The important question is, what is the question? And this question was asked in UPSC CSAT 2021. What is the question? Joseph visits a club on every fifth day.

अब जब भी इस तरह का कोई भी अपने पास क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आ, क्या कह रहे हैं कि इतने टाइम के बाद जैसे बैल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पर्टिकुलर बैल है इतने टाइम के बाद बज रही है दूसरी इतने टाइम के बाद तीसरी इतने टाइम के बाद या फिर कुछ लोग हैं वो इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ठीक है और जो एलसीएम आता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल द पर्सन विल मीट ओके तो अब यहां पर अगर हम देखें कि आफ्टर डेज वो मीट करेंगे कितने डेज क्या है आप हमारे पास में दिस विल बी इक्वल टू एल सी एम ऑफ फाइव ट्वेंटी फोर एंड नाइन तीनों का आप एल सी एम फाइंड आउट करोगे आई होप सभी को एल सी एम फाइंड आउट करना आता है एल सी एम आप सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो तो यहाँ पे अपने पास में एल सी एम बेटा क्या बनेगा सिंपल देखो एक तो आप डायरेक्टली देखो ट्वेंटी फोर से अगर मैं देखूँ तो ट्वेंटी फोर जो मैक्सिमम जो टर्म है ना आप उसके बेस पे एल सी एम फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है ना तो यहां पे अपने पास में एलसीएम कितना बनेगा यस दिस विल बी ये हो गया आपके पास में नोपतालीस और यस विल बी द आपके पास LCM बन जाएगा अगर हमें ऐसे डायरेक्टली प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एल लाइक दिस ओके देखो कितना बन गया सभी का मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी थ्री सिक्सटी ओके सो थ्री दिस विल बी थ्री सिक्सटी मीन्स आफ्टर 360 डेज दे विल मीट अगेन अब यहां पे पॉइंट आता है कि अब मैं 365, 360 डेज के लिए कैलकुलेट करूं संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, वेनसडे नहीं कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर इज कम्स की जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही है तो उसके हम क्या करेंगे ठीक है तो उस केस के अंदर जो रिमाइंडर है आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा यस रिमाइंडर विल भी इक्वल टू थ्री थ्री रिमाइंडर आ गया अब संडे के अंदर थ्री एड कर लो आप संडे के बाद

कैलेंडर पे आप प्रैक्टिस करो कैलेंडर एंड क्लॉक बोथ आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैलेंडर क्लॉक दोनों ही इम्पोर्टेंट है हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है और दूसरा नंबर सिस्टम एल सी एम एस सी अब अगेन वो तो आपको पता ही है कि काफी इंपॉर्टेंट है ओके सो द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम इन दैट केस सी सेट अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज अगर सी सेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो बच्चे कुछ नहीं हो सकता जी के अंदर आप जी कितना अच्छा स्कोर कर लो सी सेट क्वालिफाई करना तो मस्ट है है ना तो उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उनको कर सकते हो नाउ इट डिपेंड्स कि हाँ कितनी आपकी प्रिपरेशन है सी सेट की अगर आपको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस अभिमन्यु आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल बेसिक से जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उस तरह से प्रिपेयर करवाया गया है okay? ओके तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो दूसरा मॉड्यूल कोर्स मॉड्यूल कोर्स क्या है कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको जो है कहते हैं कि इंग्लिश तो हमारा काफी अच्छा है लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा है मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन गो फॉर मैथ्स क्वांट ओके अगर लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रहा है यू कैन टेक लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की रिक्वायरमेंट है आपके यू कैन टेक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ओके एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स आल्सो कि जो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू हम प्रिपेयर कर लेते जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उनको अच्छे से कर लेते हैं क्वालिफाई करना है ओके तो इन दैट केस लाइक नंबर सिस्टम हो गया आपका एलसीएम सी एम एच सी एफ क्लोक कैलेंडर सिलोजियम डायरेक्शन सेंस है ना ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो इस तरह से अगर आप करना चाहते हो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फिर भी अगर आपको कोई भी क्यूर, आपकी कोई क्यूरी है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू